ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भारत मंडपम की शान तो पूरी दुनिया देख चुकी है, अब दिल्ली को इससे भी बड़ा एक सेंटर मिलने जा रहा है जिसका नाम है इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के द्वारका में बने यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इस कन्वेंशन सेंटर को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया गया है। इसमें एक मेन ऑडिटोरियम का निर्माण भी किया गया है जिसमें एक साथ करीब 6000 लोग बैठ सकते हैं। न्यूज 18 पर यशोभूमि की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। के पांचवें तल पे ये वही कन्वेंशन सेंटर है जो देश का सबसे बड़ा होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। इसकी भव्यता आप खुद देख सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पे तालसीली लगाई गई है, स्मोक सेंसर लगे हुए हैं, म्यूजिक के लिए साउंड सिस्टम्स लगे हुए हैं। इसके अलावा जो वॉल्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं, किस तरीके से सिंपल टच दिया गया है। और तमाम खूबियाँ हैं इस सेंटर में, क्योंकि इस सेंटर में 15 कन्वेंशन हॉल हैं और 13 मीटिंग्स हॉल हैं। बहुत ही भव्य कन्वेंशन सेंटर है, देश का सबसे बड़ा बताया जा रहा है और विश्व की सभी विश्व स्तरीय सुविधाएं यहाँ पे लैस हैं। बड़े बड़े यहाँ पे प्रदर्शनी लग सकेंगी, सम्मेलन हो सकेंगे और विश्व स्तरीय कार्यक्रमों की मेजबानी भी ये कन्वेंशन सेंटर कर सकेगा। संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। गोरखपुर में डायल 112 नंबर की तत्परता से एक युवक की जान बच गई। मामला चौरी चौरा का है। ससुराल अपनी पत्नी को लेने आए युवक की घर वालों से कहासुनी हो गई और इस दौरान लड़की के घर वालों ने लड़की को भेजने से मना कर दिया, जिसके बाद युवक ने जहर खा लिया। सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची डायल 112 के पुलिसकर्मियों ने युवक को तुरंत CHC पहुंचाया, जहां पर तुरंत इलाज के बाद युवक की जान बच सकी। कि बघाड़ महादेवा से सूचना आया हमारे इवेंट 333 पे, पीआरबी है चौरी चौरा की थाने की पीआरबी है 333। इस पे हमको सूचना मिली कि मतलब उसकी औरत द्वारा बताया गया कि नाम है सतीश कुमार सिंह, इनकी ससुराल पड़ती है बघाड़ महादेवा में, रहने वाले हैं पिपराइज थाने क्षेत्र के। तो ये आए थे कि हमको विदाई कर दीजिए, तो ये लोग कहे कि भाई 2-4 दिन के बाद विदाई कर देंगे। उस पर ये नाराज होकर के जो है अपना आए और औरत से कहे कि तू नहीं चलोगी तो हम जहर खा लेंगे। बाद में अपनी औरत से बता रहे हैं कि हम जहर खा लिए हैं, तो वो औरत बोली क्या खाएं, तो कहीं मूस की दवाई, मतलब टिकिया आती है वो मूस मारने वाली, चूहा की दवाई खा ली है। उसके बाद तुरंत हमारे यहाँ सूचना मिली कि मेरे मतलब ये जो हमारे घर खा लिया, हम लोग तुरंत मौके पहुंचे। शाहजहांपुर में अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी, मौसम सुहाना हो गया। तापमान गिरने से लोगों को गर्मी से निजात मिली है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी 2 दिन ऐसा ही मौसम रहने की संभावना जताई जा रही है। गोरखपुर में डेंगू का कहर जारी है। जिला अस्पताल में डेंगू के 16 मरीज भर्ती हैं। अब तक जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या 43 हो गई है। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है। जिला अस्पताल में स्पेशल डेंगू वार्ड बनाया गया है, जहां पर मरीजों का इलाज चल रहा है। पैरामेडिकल स्टाफ की 24 घंटे ड्यूटी भी लगाई जा रही है। हमारे यहाँ जिला अस्पताल में डेंगू के मरीजों की विशेष देखरेख के लिए जो हमारे यहाँ स्पेशल वार्ड हुआ करता था, उसे डेंगू वार्ड के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है और मरीजों के लिए पर्याप्त दवा की व्यवस्था है, सबके लिए मच्छरदानी है और वहाँ पे स्टाफ की ड्यूटी 24 घंटे लगा दी गई है और किसी चीज़ की कमी नहीं है। इस समय हमारे यहाँ डेंगू वार्ड में करीब 16 मरीज भर्ती हैं। जो मरीजों की का सुधार हो रहा है उसे हम लोग डिस्चार्ज भी कर रहे हैं। अलीगढ़ में गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। भगवान गणेश की प्रतिमाएं सभी को लुभा रही हैं। राजस्थानी कलाकार दिन रात प्रतिमाएं बना रहे हैं और उन प्रतिमाओं में आस्था के रंग भर रहे हैं। 15 फीट तक ऊंची ऊंची मूर्तियां बनाई गई है। गणेश जी के लिए खास सिंहासन भी लगाया गया है और अलीगढ़ में बन रही प्रतिमाएं आसपास के शहरों में भी जाती हैं। हमारा हो गया 40 साल से मूर्ति बनाने का, हमारा जीवन मूर्ति में गुजारा। तो क्या मानते हो मुंबई में मूर्ति बनाते ये बम्बई में शुरू हुआ, धीरे 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 आगे गुजरात में बढ़ा, गुजरात से राजस्थान आया, राजस्थान में भी 7 साल से ये यूपी में मानने लगे।
संदोशी में उनका मेला लगता है और हम साल में एक बार यहाँ गणपति की मूर्ति बनाते हैं। और वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक।